दोस्तों, ये चीज़ आप जरूर जानते होंगे कि जो हम गुलाब का पौधा जो हम लोग अपने घर पे लगाते हैं वो कटिंग द्वारा लगाते हैं। तो आज आपको नई जानकारी देंगे। कटिंग से तो आप ग्रो कर सकते हैं, पर आप क्या जानते हैं, इसके बीज द्वारा भी आप पौधों को उगा सकते हैं। यानी बीज द्वारा आप पौधे उगाते हैं तो एक साथ कई कलर आप पौधे उगा सकते हैं। जैसे कि हमारा पिंक है, वाइट है, बहुत सारा वैरायटी आता है हमारे गुलाब में। तो हम गुलाब का जो कलरफुल बीज है वो हम कहाँ से उत्पन्न करेंगे, यानी हम कहाँ से पाएंगे। तो ये चीज़ आपको बाहर से कहीं से लाना नहीं है। यदि आपके घर पर है या आपके कोई किसी कर्जन के घर पर है, किसी रिश्तेदार के घर पर है, इसी पौधा से आपको बीज निकालना है। वो बीज आज आपको पूरा जानकारी देंगे। कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको जानकारी देंगे कि बीज द्वारा से पौधा को कैसे आप उगा सकते हैं। तो ये बीज जो हमारे गुलाब का है, इसे हम कैसे बाहर ला सकते हैं, किस जगह में हमारे बीज होते हैं, वो चीज़ आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके घर में भी गुलाब है और इसका बीज आप इसी से लेना है आपको, पर आपको खुद ही मालूम नहीं कि हमारा गुलाब में बीज होता कहाँ है। वो पूरा जानकारी देंगे। पूरा आप हमारे वीडियो में बने रहें ताकि आप इसे पूरा देखेंगे तभी समझेंगे कि हम बीज द्वारा से अपने घर में गुलाब कैसे उगा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह आप भी जानते होंगे, हमारा जब गुलाब खिलता है, ये हमारा बड़े गुलाब का बीज है। हमारा गुलाब जब खिलता है तो उसका पीछे, यानी कि ये जो हमारा कली है, इसका पीछे जो है बीज बनने के लिए तैयार होता है। ये जो कली है इसका पीछे, तो ये छोटा प्रजाति का है और ये हमारा बड़ा प्रजाति का, यानी बड़े गुलाब। ये जो हमारा गुलाब खिल जाता है और पत्तियाँ वगैरह झड़ जाता है, तो ये जो है फंसा हुआ रहता है, यानी अटका हुआ रहता है। तो कितने लोग कहते हैं कि इसे कटिंग कर दें, नहीं तो इस जगह में, इस डाली में गुलाब नहीं होगा। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं, पर ये चीज़ नहीं जानते, इसका कटिंग आप कर देंगे तो गुलाब का बीज नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ समझिए कि यदि हम इस चीज़ को, गुलाब हमारा खिला, हम यहाँ से कटिंग कर दिए, तो ये सही है कि यहाँ से दूसरा गुलाब खिलेगा, पर इससे आप बीज नहीं ले पाएंगे। तो यदि आपसे इससे बीज लेना है तो इस तरह का जो आप हमारा गुलाब देख रहे हैं, ये सूखा हुआ गुलाब है, तो ये पत्तियाँ झड़ जाएगा। ये जो है हमारा पत्तियाँ झड़ जाएगा, पर इसका जो गांठ है, ये गांठ आप रहने दें। और ये हमारा छोटा प्रजाति का है और ये हमारा बड़ा प्रजाति का, इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है। आपको छोटा भी दिखाते हैं, तो ये हमारा छोटा प्रजाति का है, छोटा गुलाब मतलब मीडियम, ये हमारा बहुत छोटा गुलाब है इस टाइप का। तो इसका बीज आपको दिखाते हैं, ये जो है हमारा कच्चा है और इसे हम तोड़े हैं, सुखा देंगे, इस चीज़ में सुखा देंगे। और इसका बीज देखें आप, इसका बीज हम तोड़े हैं, इस तरह से तोड़कर बीज हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये चीज़ आप देखें, किसी वाइट में दिखाएंगे, मेरा बीज देखें आप, ये हमारा गुलाब का बीज है। और एक गांठ में हमारा बीज कितना निकला है, क्योंकि हम इसे कच्चे में ही तोड़ लिए हैं, तो इसलिए हमारा जो है दो हो गया, एक गांठ में दो हुआ, फिर ये तीसरा हुआ, ये हमारा पांच बीज यानी तैयार है। अब देखें, ये पांच बीज हमारा जो तैयार है, इसे हम सुखाएंगे। इसे यदि आप कच्चा डालते हैं तो एक दो को बीज का पौधा आ ही जाएगा, पर हम सुखा कर डालते हैं, एकदम खर्रा इसे सुखा लेते हैं, तो हमारा बीज कहीं से भी मिस नहीं होगा, ये हमारा बीज जो है पौधा तैयार होगा। तो इसे आप समझ गए। अब दिखाते हैं आपको एकदम छोटा गुलाब, जिसे कहते हैं फायर गुलाब, उसका बीज देखें।
ये हमारा एकदम छोटा गुलाब का है, जो बटन गुलाब बोलते हैं, उसका बीज है। तो इसे आप बीज निकालने के लिए समझें, अब इसे रोपने का तरीका समझें कि इसे हम रोपते कैसे हैं। तो ये हमारा कोकोनट है, और ये एक टोकरी नहीं है, हमारे पास इस तरह का बहुत सारे हैं। तो इसी में हम अपने बीज को तैयार करते हैं, इस तरह का हम अपने बीज को तैयार करते हैं इस तरह में। और ये जल्दी सड़ता भी नहीं है, और इसमें हमारा पौधा जो है, अभी गर्मी का दिन है और बरसात का दिन है, तो इसे उठाकर हटाने में सुविधा मिलता है। तो पहले हम बड़े गुलाब का बीज डालकर दिखाते हैं इसे कैसे डाला जाता है। तो इस तरह का आप डाल दें, अलग अलग डालें, ये हमारा इधर हो गया। अब हम डालते हैं छोटा, जिसे बटन गुलाब कहते हैं, एकदम छोटा बीज है। तो इसे आप सरसों के जैसा है, इसे छींट दें, ये आपको समझ में आ जाएगा हमारा छोटा गुलाब है। अब इसमें क्या करना है आपको, सप्ताह में यदि आप धूप में इसे रखते हैं तो आपको शाम सुबह पानी देना होगा। यदि आप धूप में नहीं रखते हैं, हल्का धूप छांव में रखते हैं, तो सप्ताह में भी पानी देंगे तो ये हमारा कोकोनट जो है पानी को रोक कर रखेगा, और हमारा पौधा जो है यानी बीज जो है ये हमारा तैयार हो जाएगा। और पानी का आपको देना है इस तरह से, ना ही किसी तरह मग से दें, इस तरह से देना है आपको। और इस तरह से आप देते हैं पानी, जिस तरह से हम फुव्वारा से दिए हैं, तो सुबह शाम आप दें, क्योंकि जो हम ऐसे करके दिए हैं तो ये हमारा पानी जो है ऊपर रहेगा। यदि आप 5 मिनट तक ऐसे ऐसे करके देते हैं, पानी आपका नीचे तक आता है, तब आप सप्ताह दिन तक पानी ना दें, तभी आपका पौधा ये तैयार हो जाएगा। अब आपको बताते हैं, इसे जो हम बीज द्वारा ही तैयार किए थे इस पौधा को, और इस पौधा को भी हम बीज द्वारा ही तैयार किए थे। तो इसमें हमारा क्या हुआ था, पौधा उगा था, पर ये क्या हुआ था कि लगा था कि अब नहीं बचेगा, पर देखें ये हर तरह से पौधा हमारा फिर से तैयार हो गया, और इसका पत्तियां भी गिरा देखें। तो इस तरह का आप अपने घर पर ये गुलाब का पौधा आप लगा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा समझाएं, यदि नहीं समझ आता है आपको तो हमें कमेंट कीजिए, हम हर एक का कमेंट का जवाब देते हैं और आपका भी देंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।